गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम रुचि गुप्ता, योर इंग्लिश टीचर। बेटा, हमने नाउन किया था, तो नाउन मैम आपको समझा चुके हैं। कॉमन नाउन होता है जिसमें सब चीज़ कॉमन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हेयर डेट, देन यू राइट हेयर क्लास वर्क, देन नाउन, कॉमन नाउन्स। अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल, बॉय, स्कूल, बैड एंड जू मीन्स कॉमन नेम। किसी का भी नेम हो सकता है कॉमन, कुछ भी। मैंने कहा स्कूल, बैंक, कॉलेज, तो पर्टिकुलर किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं मैम, किसी का भी नेम नहीं लिया ना पर्टिकुलर, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। अब मैंने कहा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन इज़ द पर्टिकुलर नेम। प्रॉपर नाउन में क्या है? पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का पर्टिकुलर नेम होना क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन? कॉमन नाउन इज़ अ कॉमन एनीवे, कोई भी मैन हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई बैंक हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है, कोई ट्रेन हो सकती है, कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वो इंडिकेट करता है पर्टिकुलर नेम के लिए। जैसे यू रीड इन स्कूल में तो रीड करते हैं, बट विच स्कूल? बाल भारती पब्लिक स्कूल। सो यू राइट हियर बाल भारती इज़ अ प्रॉपर नाउन। मैम गार्डन गए हैं, तो गार्डन कॉमन नाउन, बट कौन से गार्डन गए हैं? मोती गार्डन। सो मोती गार्डन इज़ अ प्रॉपर नाउन। मैम ने जैकेट वियर की है, जैकेट, जैकेट इज़ अ कॉमन नाउन, कोई सी भी जैकेट हो सकती है। बट मैम वियर रेड जैकेट, तो रेड जैकेट इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो किसी भी चीज़ का जब हम पर्टिकुलर इंडिकेट करते हैं हम किसी चीज़ को नेम से, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। क्लियर? कॉमन नाउन कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं होता, कॉमन नेम होता है। प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर नेम होता है। एंड कलेक्टिव नाउन, नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्टिव मीन्स कलेक्ट करा हुआ, अ ग्रुप ऑफ बंडल, अ ग्रुप ऑफ नेम, एक ग्रुप बना हुआ नेम का, नेम का एक ग्रुप बना हुआ। अब हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में इतने सारे बच्चे होते हैं, तो क्या एक 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 बच्चे का नेम बोलेंगे? क्या होता है? स्टूडेंट्स। क्या हो आप लोग? स्टूडेंट्स। वहाँ जाके आप सब स्टूडेंट्स बन गए, बन गए। आपके घर में कोई गेस्ट आया है, गेस्ट आया है, बहुत सारे मेंबर आए, तो आप ये कहोगे चाचा आए, भुआ आए, ये आएंगे, 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 आएँ। नो, हम क्या एक पर्टिकुलर किस नेम से इंडिकेट करते हैं? गेस्ट। किस नेम से इंडिकेट करते हैं? गेस्ट। तो कलेक्टिव नाउन मतलब एक ग्रुप, किसी भी चीज़ का एक ग्रुप। फ्लावर है, फ्लावर अलग अलग बहुत सारे फ्लावर्स हैं, अब उनका हमने एक बंच बना लिया, तो वो क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन, वो कलेक्ट हो गए। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, ये मैम आपको पहले से बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अब आपको ये वर्क नोटबुक में करना है। कॉमन नाउन्स, और कॉमन नाउन इज़ अ कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल, बॉय, स्कूल, बैट, जू। नंबर टू, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल्स, जी वो जय बाल भारती पब्लिक स्कूल, रेड वुडन बैट, तो पर्टिकुलर इंडिकेट कर रहे हैं ना किसी नाम से। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। एग्जाम्पल, हर्ड ऑफ कैटल, बंच ऑफ ग्रेप्स एसेट्रा। क्लियर? आप अच्छे से बेटा इस वर्क को देख लीजिए, और आपको ये वर्क नोटबुक में करना है। क्लियर? आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर बेटा? आप अच्छे से देखिए इस वीडियो को, और पूरा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। नाउन लिखना है, फिर आपको कॉमन नाउन लिखना है, देन यू राइट प्रॉपर नाउन, फिर यू राइट कलेक्टिव नाउन। तो इस तरीके से तीनों नाउन्स के बारे में आप लिखेंगे, और शीट्स हम कर ही चुके हैं ऑलरेडी। शीट्स और एग्जांपल्स तो हम पहले काफ़ी कर चुके हैं, और हमारे माइंड में भी अच्छे से सेट हो गया है, बट नोटबुक में भी करना
कंपलसरी है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।